हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय। और आज की हम इस वीडियो में साइड फ्लूट और स्ट्रेट फ्लूट, इन दो फ्लूट्स में क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। साथ ही में साइड फ्लूट कैसे साउंड करती है, स्ट्रेट फ्लूट कैसे साउंड करती है, कौन सी फ्लूट ज़्यादा इजियर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप भी डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सी फ्लूट लेनी है। ठीक है, सो विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो यहाँ पे मेरे पास दो फ्लूट्स हैं, एक स्ट्रेट फ्लूट है और एक साइड फ्लूट है, जो कि दोनों सी स्केल की फ्लूट्स हैं। अब इनमें प्राइस की जो डिफरेंस है, साइड फ्लूट मेरी प्रोफेशनल फ्लूट है, अच्छी क्वालिटी की फ्लूट है, इसकी जो प्राइस है वो है 1,500 रुपीज़, और इसकी जो प्राइस है वो है 450, 450 रुपये, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्लूट मिली है, जिसकी स्वर जो है बहुत ही फाइन है। ठीक है, तो दोनों में प्राइस डिफरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती आपको मिल जाएगी स्ट्रेट फ्लूट कंपेयर टू साइड फ्लूट। एक साइड फ्लूट अगर आप अच्छी प्रोफेशनल ब्रांडेड क्वालिटी की लेते हैं, तो सी स्केल में मीडियम साइज की फ्लूट आपको 1,000 से 1,500 रुपये के रेंज में मिल जाती है। और उसमें ही आपको अगर स्ट्रेट फ्लूट अगर आपको लेनी होती है, तो वो आपको एक अच्छी क्वालिटी की जो फ्लूट होगी वो 450, 500, 700, 600 ऐसी रेंज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, अभी साउंड का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इसमें मेजर फैक्टर है। ठीक है, जहाँ पे साइड फ्लूट में एक तो आपको साउंड निकालने के लिए यहाँ से ब्लो करता है, जो कि थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है स्ट्रेट फ्लूट के कंपेयर। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लो करने में, फ्लूट से साउंड प्रोड्यूस करने में, थोड़ा अच्छे से टेक्निक यूज करके आपको प्रॉपर एक एंगल से फूक मारना पड़ता है। बट स्ट्रेट फ्लूट में ऐसा नहीं है, स्ट्रेट फ्लूट को आपको जो ब्लोइंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में फ्लूट से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो स्ट्रेट फ्लूट साउंड प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में थोड़ी सी इजियर है कंपेयर टू साइड फ्लूट। ठीक है, अब इसमें जो साउंड डिफरेंस है वो आप देख लीजिएगा, मैं पहले सारे गमों पर धनी सा साइड फ्लूट पे बजाऊंगा, उसके बाद में स्ट्रेट फ्लूट पे बजाऊंगा। ठीक है, साइड फ्लूट। तो ऐसे ये दो फ्लूट्स साउंड करते हैं, जिसमें दोनों का भी साउंड जो है वो अलग है एक दूसरे से। स्ट्रेट फ्लूट का एक अलग फ्लेवर है साउंड का, और साइड फ्लूट का एक अलग फ्लेवर है साउंड का। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक मैं साइड फ्लूट बजाता हूँ तो साइड फ्लूट ही मुझे अच्छी लगती है, नहीं। अब दोनों का फ्लेवर अलग है, तो आप दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों में यूज कर सकते हो। साइड फ्लूट का भी यूज थोड़ा सा वो अमेरिकन स्टाइल फ्लूट्स होती है उनकी तरह लगता है, जैसे कि टाइटेनिक की जो ट्यून है। ठीक है, अगर इस पे आप बजाओगे स्ट्रेट फ्लूट पे, तो वो थोड़ा सा टाइटेनिक में जो फ्लूट बजी है उसी तरह आपको थोड़ा बहुत सुनाई देगा, उसका फ्लेवर वैसे सुनाई देगा। ठीक है, तो दोनों का भी साउंड एक दूसरे से अलग है, तो देखिए आपको कौन सा साउंड जो है वो अच्छा लगता है, और उसी प्रकार से आप स्ट्रेट फ्लूट या फिर साइड फ्लूट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम
इन दोनों फ्लूट्स में कौन सी ज़्यादा फ्लूट इजीयर है उसके ऊपर बात करेंगे। साइड फ्लूट जो है स्टार्टिंग में देखिए आपको ब्लोइंग टेक्निक में और होल्डिंग टेक्निक में थोड़ी सी उन्हों स्ट्रगल होती है, जिसमें आपको ब्लोइंग टेक्निक में बहुत अच्छे से टेक्निक से ब्लो करना पड़ता है, और होल्डिंग टेक्निक में भी थोड़ी बहुत सी दिक्कतें आती है। तो वो अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो वो साइड फ्लूट भी आप आराम से आगे आपके अच्छे प्रैक्टिस के चलते उसको जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूट का ऐसा है कि स्ट्रेट फ्लूट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे गम पद हिस्सा भी बजा लोगे, ब्लोइंग टेक्निक का कोई इशू नहीं होता। आपको सिर्फ ऐसे पकड़ना है सीटी की तरह और फूंक मारना होता है, तो साउंड प्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और साथ ही में होल्डिंग टेक्निक में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। बट स्ट्रेट फ्लूट में सुरों को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भी हम फूंक मारते हैं वो फूंक 100% फ्लूट के अंदर जाती है, तो हमारी फूंक के ऊपर कंट्रोल ना होने के कारण हम जो भी स्ट्रेट फ्लूट में सुर बजाते हैं वो कभी कभार हिलते हैं। ठीक है, अगर आप लोअर ऑक्टिव में कोई सुर बजाते हो तो ज़्यादा प्रेशर के कारण वो मिडल ऑक्टिव में भी जाता है या फिर हायर ऑक्टिव में जाता है, तो ऐसे सुर बजते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होता स्टार्टिंग में। तो स्ट्रेट फ्लूट में भले ही होल्डिंग टेक्निक और ब्लोइंग टेक्निक इजी हो, बट सुरों को कंट्रोल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ब्लोइंग टेक्निक और होल्डिंग टेक्निक के लिए ये थोड़ी सी इजी है और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अदरवाइज सुरों को कंट्रोल करना, फिंगर्स को इम्प्रूव करना, ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करना, ये दोनों भी क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसी के ऊपर इम्प्रूव होगा। बाकी इजियर वे में मैं यही बता रहा हूँ कि इजियर मीन्स व्हाट, ब्लोइंग और होल्डिंग, बस इसमें। अदरवाइज जो भी आप फ्लूट पे बजाओगे सुरों को कंट्रोल करना, उसके बाद में ताल में बजाना, ये सब दोनों चीज़ों में आपको प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और उसके चलते ही वो आप सीखते चले जाते हो। तो उसमें मैं आपको कौन सी इजी है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो दोनों पे भी वैसे ही अप्लाई होती है। वो जो भी सुरों को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करना, ये सब चीजें साइड फ्लूट पे वैसे ही अप्लाई होती है जैसे कि स्ट्रेट फ्लूट पे। तो इजियर मीन्स व्हाट कि ब्लोइंग टेक्निक और होल्डिंग टेक्निक, इसमें ही मैं जो इजी है वो मैं आपको बताया है। तो आप अभी देखो कि आपको कौन सी फ्लूट लेनी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट फ्लूट लेते हो तो आगे जाके आपको साइड फ्लूट थोड़ी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि आपके फिंगर्स वगैरह रेडी होंगे, तो आप साइड फ्लूट पे शिफ्ट करेंगे तो वो सिर्फ आपको क्या करना होगा कि ब्लोइंग टेक्निक थोड़ा बहुत सीखना होगा, जो कि आपको कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 10-20 दिन में ही आपको अच्छे से ब्लो करना आ जाए। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे साउंड डिफरेंस है, कौन सी इजियर है। तो अभी आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी फ्लूट लेनी है और उस तरह से आप प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, सो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।